लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रॉकी, इस साल का एरो मॉडलिंग कंपटीशन तुम ही जीतोगे। थैंक्स यार। इतनी जल्दी खुश मत होना रॉकी। रोहित अभी तक अपना प्लेन का मॉडल लेके नहीं आया। अरे रोहित क्या आएगा, मैं आ गया हूँ रॉकी। हाय रोहित। हाय निशा। क्या है रॉकी कि मेरी इतनी उम्र तो है नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे इन खिलौनों के साथ खेलूं। इसलिए मैं अपने साथ वो प्लेन का मॉडल आया हूँ। रोहित, ये मॉडल तुमने किसी मोची से बनवाया था क्या? You're right. क्या कि तुम मिले नहीं थे ना, इसलिए एक मोची से बनवाना पड़ा। Shut up. रॉकी, तुम देखना चाहते हो उड़ता कैसे? ये उड़ेगा। Watch. रॉकी, कब तो मैं जीती गया हूं, लेकिन मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता हूं। तुम्हें इनाम मैं दूंगा। होली मुबारक। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुबारक आपको हो। भी होली मुबारक। भाई जसो कहाँ है? पापा बस आते ही होंगे। होली मुबारक हो। होली मुबारक हो बेटे। आपको भी होली मुबारक पापा। रोहित, हम आर्ट्स कॉलेज जा रहे हैं, तुम्हें चलना है क्या? पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊं? हाँ जरूर जाओ बेटे। अरे सुनो, तन मन दोनों रंगना, अपने भी और दूसरों के भी। हाँ ओके डैड, बाय। आइए जज साहब, चले आइए चले। छोड़ो मुझे। होली मुबारक। अरे वो देखो, उधर कुछ लड़कियां छुप के भाग रही हैं। स्टूडेंट, ये होली खेलने की जगह नहीं है, चलो निकलो यहां से बाहर।
तू तो कह रही थी तू होली नहीं खेलेगी। नहीं, ये कुछ स्टूडेंट्स ने शरारत की। आज का दिन ही शरारतों का है। जा जाके कपड़े बदल ले। हाय ब्रदर। मैंने कहा था ना, घर से बाहर जाएगी तो रंग से नहीं बच पाएगी। यू आर राइट। मेरा डिनर घर से बाहर है मामा, उसके बाद फिर नरेंद्र के घर पढ़ने जा रहा हूँ मैं। हाँ बेटा, खूब पढ़ना। अगले हफ्ते तेरे एग्जाम्स है ना, इस बार कॉलेज में फर्स्ट आकर दिखाना अपने डैडी को। जी मामा, बाय। बाय। जो आज तक स्कूल में कभी फर्स्ट नहीं आया, कॉलेज में जरूर फर्स्ट आएगा। फर्स्ट नहीं आया तो क्या हुआ, फेल तो नहीं हुआ? दिन रात पढ़ता रहता है बेचारा। हाँ, जब से हमने होटल में रूफटॉप रेस्टोरेंट खोला है, साहब ज्यादा दिन रात वहीं पढ़ाई करते रहते हैं। और उनकी किताब है वहां की कैबरे डांसर। हाय रॉकी। हेलो। चले चलो, एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करनी रॉकी? एग्जामिनेशन की तैयारी एग्जामिनेशन वाले दिन करेंगे। सी यू इन कॉलेज। तो बहुत खूबसूरत है लड़की। निशा उससे ज्यादा भोला, उससे ज्यादा खूबसूरत चेहरा मैंने देखा ही नहीं। शी इज वेरी क्यूट। ड्राइवर तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा, गाड़ी भेज देना, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता हूँ। ओके बाय। बाय। हाय राधिका। हाय। निशा सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, मैं शहर के सारे कॉलेजेस के चक्कर लगा चुका हूँ, कहीं दिखाई नहीं दी। निशा एक बार सिर्फ प्लीज। ठीक है, मैं आज ही सारे कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड्स पे लिख देती हूँ कि कोई खूबसूरत सी भोले चेहरे वाली लड़की हो तो कृपा करके आके मिस्टर रोहित गुप्ता लॉ कॉलेज स्टूडेंट से मिले। निशा मैं मजाक नहीं कर। आपकी किताब लॉ कॉलेज के बाहर गिर गई थी। तुमने ये किताब वापस करने के लिए कॉलेज से मेरा यहाँ तक पीछा किया? जी हाँ। ये तो मेरी रफ बुक है, खत्म हो गई थी इसलिए फेंक दी थी। ओह, I'm sorry. It's all right. Thank you very much. गाड़ी रोको।
ड्राइवर।
रोहित। पापा आप कोर्ट से आ गए? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं कोर्ट जा रहा हूं। तो क्या सुबह हो गई? लगता है इस घर में भी मुझे अब एक कोर्ट बिठानी ही पड़ेगी। क्यों पापा? क्योंकि यहां जुर्म होने के आसार मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। या फिर जुर्म कर बैठे हो? क्या मतलब? जब अपने ही घर में गुमशुदा नौजवान लड़का तन्हाइयों से सरगोशियां करता दिखाई दे, जब किसी से बात करते हुए उसके अल्फाज उसका साथ देने से इनकार कर दें, किसी की याद उसकी मसरूफियत बन जाए, तो समझो क्या इज इन लव। यस पापा, आई एम इन लव। कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? मालूम नहीं। रहती कहां है? मालूम नहीं। उसके मां बाप? मालूम नहीं। ओफ, वो तुमसे प्यार करती है? मालूम नहीं। ओ रोहित रोहित रोहित, इस मालूम नहीं को मालूम करो। तो कमाल करती हो। मैं कब से उधर खड़ा तुम्हारी तरफ इशारे कर रहा हूं और तुम मेरी तरफ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? राधिका। राधिका, दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू। और तुम्हारा नाम? चलो राधिका, लेट्स गो। प्यार का
अभी तो उसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसका नाम राधिका है। कांग्रेचुलेशंस, नाम तक तो पहुँचे, अब उसका पता ले लो। क्यों? ताकि कभी जरूरत पड़े तो अपनी फ्लाइंग क्लब से हेलीकॉप्टर लेके उसके घर की छत तक पहुँच सको। निशा, माई डियर लवर बॉय, मेरी मानो तो अपनी इस लव स्टोरी के नीचे टू बी कंटिन्यूड लिख के छोड़ दो और फाइनल एग्जाम की तैयारी करो। रॉकी, क्या कर रहे हो तुम? चार नंबर सवाल का आंसर ढूंढ रहा हूँ। टेक्स्ट बुक नीचे रख दो। Shut up. मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से कंप्लेंट करूंगी। चुपचाप यहाँ खड़ी हो जाओ। रॉकी, ये क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्या समझते हो तुम? अमीर बाप के बेटे हो तो जहां चाहोगे मनमानी कर सकते हो, एग्जामिनेशन में चीटिंग कर सकते हो। गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन हॉल। गेट आउट। योर ऑनर, मुलजिम राकेश नाथ ने पुलिस की मौजूदगी में इन्विजिलेटर को चाकू दिखाया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, इन्होंने सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के सामने प्रिंसिपल साहब की बेइज्जती की और उनके मुंह पर तमाचा मारा। मैं फैसला सुनाने से पहले राकेश नाथ और प्रिंसिपल साहब से अकेले में अपने चैंबर में बात करना चाहता हूं। देखो, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि वक्ती तौर पर जोश खाकर जो गलती तुम कर बैठे हो उसका तुम्हें एहसास भी हो जाए और सजा भी ना भुगतनी पड़े। ओ, समझ गया। चलिए, अगर आप कहते हैं कि मैंने कोई कानून तोड़ा है तो बताइए क्या फाइन दूं। फाइन? अब छोड़िए ना जज साहब, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आपने प्राइवेटली मुझे अपने चैंबर में क्यों बुलाया है। आखिर एक कॉलेज प्रिंसिपल को क्या मिलता है और एक जज को क्या? 5,000, 7,000? एक अमीर बाप का बेटा इतने पैसे तो होटलों में रोज खर्च देता है। Am I right? Absolutely right. अब बोलिए, क्या देना होगा मुझे? बड़े छोटों से कुछ लें अच्छा नहीं लगता। क्यों प्रिंसिपल साहब? जी, वैसे गलती इसकी नहीं है, गलती आपकी है। मेरी? वो दिन याद कीजिए जब आप स्टूडेंट थे। अगर मैं और आप उस वक्त ऐसी हरकत करते तो क्या सजा मिलती? इसके टीचर्स ने वो सजा इसको नहीं दी जो अब इसे मिलेगी। अरे ये तमीज़! अरे अरे ये नहीं! अरे ये वो सजा थी जो तुम्हें स्कूल में मिलनी चाहिए थी। कानून की सजा तुम्हें अदालत देगी। टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। टीचर की बेइज्जती सारे समाज की बेइज्जती है, पूरी कौम की बेइज्जती है। टीचर को चाकू दिखाकर जान लेने की धमकी देने के जुर्म में यह अदालत मुल्जिम राकेश नाथ को इंडियन पैनल कोर्ट के जेरे दफा 323 के तहत 7 दिन की सजा देती है और कॉलेज डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए यह अदालत कॉलेज अथॉरिटी को रिकमेंड करती है कि मुलजिम को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाए। मेरा बेटा 7 दिन जेल में नहीं रह सकता। चाहो किसी मिनिस्टर से मिलो, कुछ तो करो। मॉम, क्या बात है मॉम? वो रॉकी इनसे पूछे बगैर नैनीताल चला गया अपने दोस्तों के साथ, इसलिए नाराज हो गए। ओ रिलैक्स डैड। निशा,
कल मेरे घर में पार्टी है। मैं जानती हूँ कल तुम्हारा जन्मदिन है और हर साल की तरह तुम अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ मनाओगे। हाउ बोरिंग योर रोहित। क्यों? मेरी सलाह मानो, इस बार अपनी जिंदगी का नया साल अपने नए दोस्त के साथ अकेले मनाओ। गुड आइडिया। लेकिन राधिका मान जाएगी? डिपेंड करता है तुम राधिका को इनवाइट कैसे करते हो। ठीक है, मैं अभी राधिका से बात करके आता हूँ। राधिका, तुम यहाँ? राधिका, 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 कल मेरा बर्थडे तो मिस। राधिका, अरे राधिका, 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 कल मेरा बर्थडे, तुम मेरे साथ लंच के लिए आओगी? राधिका, राधिका, कल तुम मेरे साथ, राधिका। रोहित प्लीज यहाँ से जाओ। कल मेरा बर्थडे है, तुम मेरे साथ कल लंच पे आओगी? हाँ आऊंगी, लेकिन अभी यहाँ से चले जाओ। पक्का आओगी? पक्का आऊंगी। Are you sure? Yes, I'm sure. कल दोपहर 1 बजे फुलवारी रेस्टोरेंट में। Okay. पूरे 1 बजे। मैंने सुन लिया रोहित। पक्का होगी ना? Yes, रोहित। Are you sure you'll come? Yes. Yeah! Oh my God, राधिका के साथ तो लंच का अपॉइंटमेंट है। हाय पापा। इतनी रात को कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पापा मेरा लंच का अपॉइंटमेंट है। लंच? कहाँ अपॉइंटमेंट है भाई? सिंगापुर, बैंकॉक, टोकियो। व्हाट? लंच का टाइम तो इस वक्त इन्हीं जगहों पर होगा। पापा मेरा अपॉइंटमेंट दोपहर के 1 बजे का है। अरे सुबह के 4 बजे हैं अभी तो। पापा आई डोंट वांट टू बी लेट, आप सो जाइए। नहीं मेरा भी डिनर का अपॉइंटमेंट है, मैं भी तैयार हो ही जाता हूँ। रात के डिनर के लिए अभी से तैयार हो रहे हैं? हाउ सिली। आपके रेस्टोरेंट में मेरा लंच का अपॉइंटमेंट है। इतनी सुबह लंच का अपॉइंटमेंट है? जी हाँ। आपका लंच का अपॉइंटमेंट एक लड़की के साथ है ना? लेकिन आपको कैसे पता चला? आप ज्योतिषी हैं क्या? जी नहीं, आपसे पहले यहाँ एक लड़की आई है, उसका भी लंच का अपॉइंटमेंट है। Happy birthday. Thank you. I'm so sorry. किस बात के लिए? वो क्या कि मैं लेट हो गया ना? तुम लेट नहीं हुए, मैं ही जरा जल्दी आ गई। वेटर, वेटर। हाँ जी बोलिए। खाने के लिए क्या मिलेगा? इस वक्त कुछ नहीं, क्योंकि भैंस ने अभी तक दूध नहीं दिया, मुर्गी ने अभी तक अंडा नहीं दिया और ओके ओके ओके, जल्दी दो थम्स अप लेकर आओ। लाता हूँ। इस रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन क्या शायद हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। कोई बात नहीं, 4-5 घंटे के बाद खाना मिल जाएगा। लीजिए दो थम्स अप। हैप्पी बर्थडे।
थैंक यू। लंच का ऑर्डर देंगे आप? I won't eat. मेरा भी पेट भर गया। चले? आओ। लगता है दोनों चर्सी हैं। काफी देर हो गई। वक्त कैसे गुजरा ये तो पता भी नहीं चला। आओ मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में घुमा के लाती हूँ। तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर की क्या जरूरत है? आज मैं गाड़ी खुद चलाऊंगी। तुम्हारे पास लाइसेंस है? Don't be silly, Rohit. लाइसेंस कौन पूछता है? लेकिन तुम तो सिर्फ 17 साल की हो। You're not supposed to drive. Of course I can drive. पागल हो गई हो क्या? मुझे स्टीयरिंग संभालने दो। थैंक गॉड। शुक्र है अगला जन्मदिन मनाने के लिए बच तो गए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। चलो। अच्छा बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? जहाँ तुम्हारा घर है। राधिका मजाक मत करो, तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ वरना मैं तुम्हें घर कैसे पहुँचाऊंगा। तुम अपने घर ले चलो। तुम्हें चलना है कि नहीं? चलना है। कहाँ? घर। वेलकम रॉकी। हाय। माँ कैसे हो बेटा? ठीक हूँ माँ। चलो घर चलो। नहीं माँ मैं कॉलेज जाऊंगा। तू कॉलेज जाकर क्या करेगा? कोर्ट जाकर जस्टिस गुप्ता से तो नहीं मिल सकता, लेकिन कॉलेज जाकर उसके बेटे रोहित से तो मिल सकता हूं। रॉकी वो देख, रोहित की फ्रेंड निशा। मुझे नहीं पता। रोहित कहाँ है तू जानती है? बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। हाँ मेरे अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। तुम जेल जाके भी नहीं सुधरे रॉकी, तुम्हारे जैसे कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होगी। We'll be right back.
जाओगे? तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कॉलेज से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। मुझे दोबारा पुलिस बुलाने के लिए मजबूर मत करो। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। रोहित, तेरे बाप ने 7 दिन के लिए जेल भिजवाया था मुझे। उन 7 दिनों के एक एक मिनट का बदला लूंगा, कॉलेज में नहीं तो कॉलेज के बाहर। क्या बात है निशा, क्यों रो रही हो? सर वो रॉकी ने आ बेटे, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। सर शी इज अ लिटिल शॉक, मैं से खुद ही घर छोड़ा था। ओके सुजन, जरा निशा की शर्ट देना। इट्स ओके, इट्स ओवर नाउ। बस बस। कौन? नमस्ते आंटी, मैं राधिका की कॉलेज की फ्रेंड हूँ। मेरे भाई की शादी है इसलिए इनविटेशन कार्ड देने आई हूँ। अच्छा अच्छा, राधिका की तबीयत ठीक नहीं है, वो ऊपर अपने कमरे में है। जाओ ऊपर चले जाओ। थैंक यू। कौन है? राधिका, मैं रोहित की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। I'm gonna kill you. राधिका, मैं रोहित को 3-4 साल से जानती हूँ, वो मेरा दोस्त है। Shut up! अगर हम दोनों के बीच ऐसी कोई बात होती तो मैं तुम्हें समझाने क्यों आती? मुझे जलाने। राधिका, रोहित तुमसे प्यार करता है। झूठ मत बोलो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। थैंक्स अ लॉट यार, मैं तेरे को बाइक शाम तक वापस कर दूंगा। हाय 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 हाय। रोहित, I'm sorry रोहित। रोहित सुनो तो, रोहित 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 मेरी बात तो सुनो। रोहित रोहित लिसन टू मी रोहित। रोहित, क्यों ना हम शादी कर लें? जरूर करेंगे, लेकिन पहले तुम मेजर हो जाओ, 18 साल पूरे कर लो, उसके बाद। But I don't understand, मेरी 18 साल पूरे करने से शादी का क्या वास्ता?
लॉ, कानून एक नाबालिग लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं देता। कानून? कानून क्या कर सकता है? जानना चाहोगी? हाँ। आओ। ये अदालत है, कानून का मंदिर। अब ये सोचो कि कोर्ट भरा हुआ है, सारे वकील यहां बैठे हैं, तुम वहां खड़ी हो और जज यहां बैठा है। ऑर्डर ऑर्डर, मुलजिम रोहित गुप्ता को अदालत में पेश किया जाए। मुलजिम रोहित गुप्ता हाजिर हो। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। इन लॉ द कंसेंट ऑफ अ माइनर इज नो कंसेंट एट ऑल, यानी एक नाबालिग की मर्जी से कानून को कोई अहमियत नहीं। और राधिका भी 18 साल की भी नहीं है, शी इज अ माइनर। हाँ, शी इज अ माइनर। हाँ, राधिका 17.5 साल की है, लेकिन शादी आज करें या 6 महीने बाद क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, भावनाओं को फर्क पड़ता है। योर ऑनर, हो सकता है 6 महीने के अंदर राधिका रोहित को ही भूल जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये तो हुआ मुकदमा, अब सुनो अदालत का फैसला। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत इस केस को किडनैपिंग और अबडक्शन मानते हुए मुलजिम रोहित गुप्ता को इंडियन पीनल कोड अंडर सेक्शन 361 एंड 493 7 साल की सजा का हुक्म देती है। अरे राधिका, ये क्या कर रही हो? तुम कौन होते हो मेरे रोहित को मुझसे जुदा करने वाले? I hate you and I hate your goddamn courtroom। राधिका, मैं तो मजाक कर रहा था, रोना बंद करो। रोहित, अगर हम कभी जुदा हो गए तो मेरा यूं ही रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रोहित। मेरे बिना नहीं रह सकोगी तो मेरी याद के साथ रहना। बुआ की फ्लाइट लैंड हुए तो आधा घंटा हो चुका है, पर बुआ कस्टम से बाहर अब तक क्यों नहीं हो रही शोभा? सुना था कनाडा में लोग खाना बहुत खाते हैं, तुम्हें देख के ये बात साबित हो गई। 10 साल में 10 किलो तो बढ़ा ही दिए। गुड प्रोग्राम। हेलो आंटी। हेलो रॉकी, हाउ आर यू बेटी? अच्छा हूँ, मैं सामान रखवाता हूँ, चलो। कितना हैंडसम निकला है भैया, हमारे फैमिली में सबसे हैंडसम बच्चा अपना रॉकी है। अपनी राधिका कहाँ है? कॉलेज गई है, 1 घंटे में घर पहुँच जाएगी। ओह भैया, मुझे एक अर्जेंट फोन करना है, होटल मैरिजिन में। इतनी जल्दी क्या है, घर चल के कर लेना। बहुत जरूरी काम है भैया, वो जो कनाडा के होटल में मेरा पार्टनर था ना मिस्टर मल्होत्रा, वो जिनकी डेथ हो गई 5 साल पहले, उनका बेटा विकी भी दिल्ली आया हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि विकी की शादी अपनी राधिका से हो। बाय। हाय, शाम को निशा के भाई की शादी है, 7 बजे तक पहुंच जाना। रोहित, मुझे शायद थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों? आज 7 साल बाद मेरी बुआ एडमिंटन से इंडिया आ रही है। एडमिंटन? ओ, तो तुम्हारी बुआ कनाडा में रहती हैं? हाँ, मैं चलती हूँ, बुआ वेट कर रही होगी। भैया, हमारी राधिका के लिए विकी से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। गुड प्रोग्राम। हमारे वेस्ट कनाडा में पूरा टिम्बर बिजनेस अकेले विकी का है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी का अकेला मालिक है वो, अलोन। और लड़के में कोई आई भी नहीं, नो नाइट क्लब, नो गैम्बलिंग, नो ड्रग्स। दीदी, अगर आपको लड़का पसंद है तो फिर ठीक है, क्यों? लेकिन शोभा, आजकल के बच्चों को ये पसंद नहीं कि उनकी शादी का फैसला उनके माँ बाप करें। हाय बुआ। हेलो माय स्वीट लिटिल राधिका,
याद है जब मैं पिछली बार आई थी तुम्हें कैसे गोद में उठा लिया था ऐसे? ठीक है, अब मैं तुम्हें उठाकर नहीं बल्कि प्लेन में बिठाकर अपने साथ कैनेडा लेकर जाऊंगी, वो भी दुल्हन बनाकर। ब्राइड? दुल्हन? ब्राइड? यस। विक्रम मल्होत्रा नाम है लड़के का, खास तुझे दिखाने के लिए उसे अपने साथ कनाडा से लेकर आई हूँ। रॉकी के साथ अभी आ रहा होगा। आंटी। नमस्ते। हेलो विकी, आओ इनसे मिलो। कम, ये है माय बिग ब्रदर मिस्टर नाथ, माय भाभी नलिनी, और ये है हमारी राधिका। मुझसे शादी करना चाहते हो? जी, राधिका। इंडिया का कानून जानते हो? मैं एक माइनर हूँ, अभी तक 18 साल की नहीं हुई, और अगर तुमने मुझसे शादी की तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर तुम पर अबडक्शन और किडनैपिंग का केस करेगा, और जितना भी तुम्हारा लॉयर योर ऑनर चिल्लाए, जज तुम्हें इंडियन पीनल कोड सेक्शन 361 के तहत 10 साल के लिए जेल भेज देगा। क्यों जेल जाना चाहते हो? कनाडा चले जाओ ना। फिर मुझे तो शादी पे जाना है, मैं जाके तैयार होती हूँ। बाय। हबी, यू डिडंट टेल मी, हमारी राधिका लॉ पढ़ रही है? अरे नहीं नहीं, वो तो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। विकी, राधिका बच्ची है, अभी इतनी समझ नहीं कि कब क्या बोलना है। अंकल, लगता है राधिका अभी शादी करना नहीं चाहती, और वैसे भी आजकल के जमाने में लड़कियों को शादी के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। राधिका, इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने कहा था ना, मेरी बुआ आई है एडमिंटन से, उसके साथ एक लड़का भी आया है, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। तो वो मुझसे मिलने इंडिया आया है। क्यों? उसके साथ मेरी शादी हो रही है। हाय राधिका। नमस्ते सर। नमस्ते। राम सिंह, जल्दी से खाना लगा दो और पापा को बोल दो मैं आ गया हूँ। जी सर। मम्मी डैडी मेरी शादी करवा रहे हैं, मम्मी डैडी मेरी शादी करवा रहे हैं, संडे को लड़के वाले घर आ रहे हैं, मेरी बारात में तुम भी आओ, कोई प्यारा सा तोहफा लाओ, जीना जलाओ, जीना जलाओ। तो आपको मेरी पसंद कैसी लगी? फैंटास्टिक यार। पर एक बात बताओ, उसका नाम मालूम है या अभी तक? मालूम नहीं। राधिका। राधिका, तुम राधिका को फोन करो और उसे कहो कि कल शाम को मैं उसके पिताजी से मिलकर तुम्हारी सगाई की बात करना चाहता हूँ। पापा, मैं राधिका को पर्सनली बोलकर आता हूँ। खाना खाना तो खाते जाओ। ए, तुम यहां क्या कर रहे हो? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं यहां क्या कर रहा हूं? अरे ये मेरा घर है। ओ, तो तुम राधिका के भाई हो? राधिका को तुम कैसे जानते हो? रॉकी, क्या बात है? ये खामखा बंगले में घुसने की कोशिश कर रहा है। नमस्ते अंकल, मेरा नाम रोहित गुप्ता है, मैं राधिका से मिलना चाहता हूँ। इस वक्त? जी अंकल, कॉलेज में एक फंक्शन है, उसी के लिए मैं प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। कौन सा फंक्शन? एक मिनट रॉकी, एक मिनट। इस वक्त राधिका सो रही है जी, उसे कल सुबह फोन करो। ठीक है। नमस्ते अंकल, बाय। साला, ए, क्या बोला? अंदर आओ। पापा, आप जानते हैं ये उस जस्टिस गुप्ता का बेटा है। अंदर आओ। राधिका, 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 सो रही हो क्या? राधिका, राधिका उठो। राधिका,
अच्छी खबर लाया हूँ। पापा को हम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब ये प्यारे प्यारे हाथ हमेशा के लिए मेरे हाथों में आ जाएंगे और मैं इन्हें दिन रात सुबह शाम चूमूंगा। राधिका तुम खुश हो ना? राधिका बोलो ना। बैड प्रोग्राम। भैया भैया क्या बात है शोभा? अभी अभी राधिका के बेडरूम के विंडो से एक हाथ अंदर आया था। हाथ? यस, एक मजबूत और जवान हाथ, यंग हैंड। मैंने उसे पकड़ा भी लेकिन वो निकल गया हाथ से, एस्केप्ड। मेरी बात मानो भैया, उस खिड़की को पूरी तरह से जल्द बंद करवा दो आप। आप लाफ क्यों कर रहे हैं? शाम को राधिका ने विकी के साथ शादी करने से इनकार किया था, जानती हो क्यों? Why? उसके बेडरूम की खिड़की में से अंदर आने वाले हाथ की वजह से। जाओ तुम जाके सो जाओ, मैं कल सुबह राधिका से बात करूंगा। यानी हाथ वाला दरवाजे से इन एंड माय विकी खिड़की से आउट। बैड प्रोग्राम। राधिका। यस डैड। इधर आओ बैठो। क्या बात है डैड? आर यू इन लव? पापा जवाब दो हाँ या ना। हाँ। कौन है लड़का, क्या नाम है उसका? रोहित, रोहित गुप्ता। रोहित गुप्ता, उसके पिताजी जज हैं, जस्टिस गुप्ता। ओ, रोहित गुप्ता, ठीक है, मैं आज ही जज साहब से बात करता हूँ। Oh, Daddy, I love you. Hello, गुप्ता है? गुप्ता साहब, मैं महेंद्र नाथ बोल रहा हूँ। अरे अच्छा किया आपने फोन किया, मैं खुद आपसे बात करना चाहता था। तो आज शाम को मेरे होटल में मिलते हैं, वहां बातें भी हो जाएंगी। As you wish. मैं होटल लॉबी में 7 बजे आपका इंतजार करूंगा। ओके बाय। रोहित। नलिनी, आज 2 मेहमान डिनर पे आ रहे हैं। कौन आ रहा है? जस्टिस गुप्ता और उनका बेटा रोहित। क्या? जज साहब आज शाम मुझसे मिलने होटल आ रहे हैं, वहीं मैं आज रात के खाने के लिए उन्हें घर बुलाऊंगा। अगर क्यों? मैं उनके बेटे रोहित के साथ अपनी राधिका की एंगेजमेंट फिक्स कर रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं? नलिनी, राधिका रोहित को प्यार करती है और ये रिश्ता मुझे पसंद है। मगर हमें ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। जिस आदमी ने मेरे रॉकी को कॉलेज से रस्टिकेट करवाया, उसे जेल भिजवाया, उसके बेटे से हमारी राधिका शादी करेगी? ये नहीं होगा डैडी। उस जज का बेटा हमारी फैमिली का मेंबर नहीं बन सकता। क्यों? इम्तिहान में नकल मारते हुए तुम पकड़े गए थे या जस्टिस गुप्ता? प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी तुमने की थी या जस्टिस गुप्ता ने? तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से मैं अपनी बेटी की खुशियां उसे नहीं छीन सकता। क्या लेने आया हो यहां? बेटे मैं तुम्हारे डैडी से मिलने आया हूं। खबरदार जो मुझे बेटा कहा। ये क्या बदतमीजी है? अपनी जान चाहते हो तो चले जाओ यहां से। Behave yourself. Behave करना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। दोबारा यहां आने की हिम्मत मत करना। क्या हुआ पापा, क्या कहा नाथ साहब ने? बेटे तुम राधिका को भूल जाओ। क्यों? समझने की कोशिश करो बेटे। मगर क्यों? वो क्या हुआ पापा? वो रॉकी। पापा ये रॉकी ने? रॉकी
रोहित, रोहित, रोहित मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे डैडी नहीं आए, रोहित, सॉरी, छोड़ दो मुझे रोहित। रॉकी ने रोहित को क्या किया? पूछती क्या किया रॉकी ने रोहित को? हाँ माँ, क्या किया रॉकी ने रोहित को? तेरे रोहित ने मेरे रॉकी को मार डाला। तेरे प्यार ने मेरे बेटे की जान ले दी। मार डाला उसे, मार डाला। Thank you.
नाथ साहब, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। कमिश्नर साहब, क्या आपने रोहित गुप्ता को गिरफ्तार किया? इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के अलावा पूरा पंचनामा पढ़ा है मैंने। रॉकी की मौत महज एक हादसा था। चश्मदीद गवाहों के बयानात के मुताबिक रोहित ने रॉकी को बचाने की। यह सब झूठ है, मेरे बेटे का खून हुआ है। ही हैज बीन मर्डर्ड, और खूनी है। यह है मेरे बेटे का कातिल। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ही ना सर, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी चिता भी यही चलेगी। आज तेरी चिता भी यही चलेगी। अबे तू जज का बेटा हुआ तो क्या हुआ? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं सच कहता हूँ पापा, मैंने तो रॉकी की जान बचाने की कोशिश की थी। बेटे मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो, पर जिस बाप का जवान बेटा मर गया हो उसे किसी सच्चाई पर यकीन नहीं आता। 9:45 की फ्लाइट है, तुम सही वक्त पे पहुंच जाओगी। प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में ना होता भैया तो मैं बैंगलोर बिल्कुल भी ना जाती, लेकिन नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हारा जाना जरूरी है। तुम भी अब काम पर जाओ भैया, लोगों से मिलोगे जुलोगे तभी इस दुख को भूल पाओगे। समझ लेना हमारा रॉकी का इतना ही साथ था। भाभी से कहना राधिका का ख्याल रखे। चलती हूँ। राधिका, जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा बेटी। रोहित तेरे लायक ही नहीं था। उसने इतना भी नहीं सोचा कि रॉकी तेरा एक ही एक भाई है और उसी को मार डाला। क्यों आप लोग रोहित पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? जो कुछ हुआ हो डैड ने सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी आप लोग अपनी आंखें बंद कर रहे हैं सच्चाई से। सच्चाई तो यह है कि हमारा बेटा हमसे छीन लिया गया है और उसका जिम्मेदार है रोहित, सिर्फ रोहित। हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं। तो रॉकी की जान बचाने की कोशिश की थी। मैं जानती हूँ रोहित, लेकिन अब मम्मी डैडी हमें कभी मिलने नहीं देंगे और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रोहित, नहीं रह सकती। आओ मेरे साथ। तुम इस घर में आए जैसे पूछता हूं आपका कानून है किस लिए?
क्या ये लड़का कानून और पुलिस के होते हुए मुझ जैसे शरीफ और बाइज़त शहरी की इज्जत सरे बाजार उछालता रहेगा और आप लोग देखते रहेंगे? दिस इज नॉट डन इंस्पेक्टर, दिस इज नॉट डन। मिस्टर रोहित गुप्ता, मैं तुम्हें वार्न करता हूं कि आज के बाद तुम नाथ साहब के लड़के से मिलने की कोशिश नहीं करोगे। और दूसरी बात ये कि तुम इनके घर के 100 गज नजदीक नहीं जाओगे। पुलिस का हुक्म है कि मैं राधिका के घर से 100 गज दूर रहूं। यहां 100 गज पूरे होते हैं, मैं राधिका का यही इंतजार करूंगा। जिंदगी भर इंतजार करो, राधिका से मिलना तो दूर, अब तो तुम उसके नजदीक भी नहीं जा सकोगे। डैडी, पुलिस ने रोहित को मुझसे दूर रहने को कहा है, मुझे रोहित से दूर रहने को नहीं। राधिका, आज ही मैं तुम्हारा रोहित के साथ मिलना हमेशा के लिए बंद कर देता हूं। नहीं, इसका सामान पैक करो और शोभा को बैंगलोर फोन करके कहो कि राधिका उसके साथ केरला जा रही है, वहीं इसकी शादी विकी के साथ कर देंगे। आओ बेटी आओ, ये रहा हमारा होटल, गुड प्रोग्राम है ना? तुम चलकर मेरे स्वीट में आराम करो, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड। माइल्स, टेलीफोन। भैया। हाँ शोभा, ठीक ठाक पहुंच गए ना? हाँ भैया, बिल्कुल आराम से पहुंच गए। राधिका कैसी है? चुप है, बट नथिंग टू घबराओ। अच्छा शोभा, विकी से बात कर लेना, उसे सब समझा देना। आप फिक्र मत कीजिए भैया, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ओके भैया, बाय। ओके शोभा, थैंक यू। तुम? राधिका कहाँ है? तुमसे मतलब? मैं पूछता हूं राधिका कहाँ है? राधिका अब यहां नहीं है, भूल जाओ उसे, बहुत ही जल्द उसकी शादी कनाडा में होने वाली है। Now, please get out. तो आपने राधिका को कनाडा भेज दिया? क्या सोचते हैं आप? कनाडा भेजकर आप राधिका को मुझसे दूर कर देंगे? ये शहर, ये देश छोड़ देने से राधिका मेरा ख्याल छोड़ देगी? जुदा कर देंगे आप हम दोनों को? नहीं नाथ साहब, राधिका मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। नमस्ते साहब। रोहित आया? ऊपर टेरिस पे है साहब। खाना खाया उसने? जी नहीं साहब। रोहित, क्या बात है? राधिका को कनाडा भेज दिया, उसकी बुआ उसकी शादी वहीं करवा रही है। क्यों नहीं करवाएगी? कौन रोकेगा उन्हें? तुम जो सुबह से शाम तक मुंह लटकाए बैठे रहते हो। तो मैं क्या करूं पापा? अम्मा यार, तुमने इश्क किया है या भाड़ जो किए? अरे तुम्हारी मोहब्बत में गर्मी नहीं, जोश नहीं, जुनून नहीं अपनी महबूबा से मिलने का? पर पापा वो तो कनाडा में है।
सन ऑफ एन इडियट, कनाडा दुनिया से बाहर है क्या? पापा देखो, ये दौर पत्थर खाने वाले मजनू का नहीं, ये दौर उस आशिक का है जो अपनी महबूबा के लिए सीने पर गोलियां खा जाए। सीधे कनाडा जाओ और बगैर राधिका को लिए इस घर में मत आना, समझे? पर एक बात याद रखना, तुम ही दूल्हा हो और तुम ही बाराती। बेस्ट ऑफ लक सन, बेस्ट ऑफ लक। राधिका, उस दुकान में जाएंगे। गुड प्रोग्राम। आप हो आइए बुआ, मैं यहाँ आपके लिए वेट करती हूँ। बट व्हाई? दिल नहीं हो रहा। सूट योरसेल्फ सिली गर्ल। Canada? Yes. Are you sure this is Canada? Yes. चलाई है? चुप। ए यू, कभी स्पोर्ट्स कार चलाई है? यू इडियट। ओह, मर गए। नहीं नहीं, बच गए। व्हाट अ स्पोर्ट्स कार। बड़ा मजाक उड़ा रहे थे मेरा। कभी स्पोर्ट्स कार चलाई है? कभी स्पोर्ट्स कार चलाई है? मैं इसलिए पूछ रहा था, तुमने स्पोर्ट्स कार चलाई है तो तुम मुझे बता सकते हैं इसके ब्रेक्स कहाँ हैं? तुम्हें पता नहीं कि गाड़ी के ब्रेक्स कहाँ हैं? ये तुम्हारी गाड़ी नहीं? नहीं नहीं, आज ही मारी है। ए, मेरा मतलब है आज ही नहीं है। ओ, कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी। पुश भाई, पुश पुश। आप इंडिया से हैं? आई एम इंडिया, सेटल्ड इन कनाडा। आपका नाम? भारत में मेरा नाम रामभाव था, यहाँ लोग मुझे प्यार से रैम्बो बुलाते हैं, ड्यू टू माय पर्सनालिटी। तुम इंडिया से कब आए? बस आज सुबह की फ्लाइट से। तुम्हारा बुरी अवस्था? जी, मेरे पास जो कुछ भी सब इसी बैग में है। अच्छा, गुड बैग। बाय द वे, तुम यहाँ क्या करने आए हो? किसी की तलाश में आया हूँ। तलाश में? पता है? नहीं। अरे ढूंढोगे कैसे? मालूम नहीं। कोई बात नहीं, मैं ढूंढूंगा। लेकिन आप कैसे? अरे रैम्बो कैन डू एनीथिंग इन दिस कंट्री, यू जस्ट फॉलो मी, गो। तुम सफर में बहुत थक गए होंगे, लाओ मैं तुम्हारा बैग उठा लेता हूं। जी नहीं। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, यू आर माय गेस्ट। अरे बस आ गई, हरी अप, गो इनसाइड, गो इनसाइड, गो इनसाइड। आइए रामो जी। कॉल मी रैम्बो। अरे अरे रैम्बो, स्टॉप द बस, यू गॉट टू ओपन द डोर। आई कैन, इट्स ऑटोमेटिक। राधिका, राधिका,
रोहित कनाडा कैसे पहुंचा? कैसे पता चला उसे तुम्हारा? तुमने उसे फोन किया था? मेरे प्यार की खुशबू हवा बनकर उड़ेगी राधिका। पैक्टोग्राम। राधिका मुझे क्यों छोड़ा है तुम? मैं मजबूर थी रोहित, लेकिन अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। मुझे यहां से ले चलो। कहां? जहां तेरी मर्जी, तू ले चल वहां। लेकिन रोहित, हम लोग जाएंगे कहां? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर बुआ ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो वो तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। सिर्फ 10 दिन बाकी है तुम्हारे 18 साल होने में, और ये 10 दिन हमें कैसे भी पुलिस से बचकर रहना होगा। मगर कैसे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अगर किसी तरह मैं अपने डैडी को फोन कर सकूँ तो वो हमारा इंडिया वापस जाने घर। अब मैं क्या करूं? Have no fear. Rambo is here. अरे मेरे घर पे आके रहो। I have a palace. I have bought it from the Maharaj of Canada. Follow me. एक मिनट राधिका। तो ये है वो आपका पता जिसे आप ढूंढने के लिए कनाडा आए। हाँ आइए आइए, ये है मेरी गाड़ी। तुम्हें पता ना इसके ब्रेक्स कहाँ है? I know all the brakes. रोहित, इस गाड़ी में डेंट कितने हैं? किसी डेंटिस्ट को दिखा देंगे। आप आइए ना, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर मी। आइए 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 आइए। प्लीज कम। हेलो, ये एक जू है। मेरा मतलब है ये मेरा बंगला है। आज से ये तुम्हारी धर्मशाला है। धर्मशाला? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप लोग यहाँ रह सकते हैं फ्री फ्री। अरे ये कोई छोड़ गया, जॉर्जी वॉकर। ये क्या कर रहे हो रैम्बो? यू कैन सी क्या कर रहे हो? मुझे छिपा कर पीने की आदत है। एनीवे फॉरगेट इट, यू हैव इंसल्टेड अ बिग मैन। फॉलो मी। आइए आइए, ये है मेरा बेडरूम, विक्टोरियन स्टाइल। बेडरूम? ये तो बाथरूम है। बाथरूम? मैं कभी कभी टब में सोता हूँ। It is a new style. कोई बात नहीं, मैं आपको एक और बेडरूम दिखाता हूं, मुगल स्टाइल। फॉलो अकबर। आइए आइए, कम कम कम। सी वन मोर बेडरूम। ओके, अभी आप लोग सो जाइए। लड़के तुम इधर, तुम ऊपर। भगवान ने चाहे तो फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कल सुबह मिलेंगे। वी विल हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। जय हिंद, गुड नाइट, गुड नाइट। थक गई हो ना? रैम्बो, विस्की की बोतलें गायब। लगता है ये रैम्बो ने
ओह माय गॉड, राधिका, राधिका, राधिका उठो, ये रैम्बो का घर नहीं है, वो मैं फिर, मैं देखता हूँ। लगता है घर का असली मालिक आ गया। अब क्या करेंगे? चल के उसे बात कर लेते हैं, शायद वो हमारी सिचुएशन समझ जाए। मुझे डर लग रहा है रोहित। गुड मॉर्निंग सर। तुम जी, वो क्या है कि हमारे पास सोने के लिए जगह नहीं थी, और क्या है कि हम लोग घर से भागे हुए हैं। घर से भागे हुए? लेकिन मेरे घर में क्या कर रहे हो? जी वो एक फ्रॉड ने हमें यहाँ, वो तो कह रहा था कि ये घर उसका है। हम सच कह रहे हैं सर, बात ये कि राधिका, विकी, तुम इन्हें जानती हो? रोहित, मैंने बताया था ना, बुआ एडमिंटन, एक लड़का। जब मैं राधिका से मिलने हिंदुस्तान गया था तो उसने कानून पर मुझे एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया था, और अब समझ में आया कि उस लेक्चर के असली लेक्चरार तुम हो। चलो ये तो पता चल गया कि तुम दोनों घर से भागे हुए हो, लेकिन राधिका प्रॉब्लम क्या है? शी इज जस्ट अ बच्ची ऑफिसर, ओनली 17 इयर्स ओल्ड, एंड दैट बॉय, दैट प्रोग्राम। As soon we know something, we'll let you know. Thank you. You're welcome. तो तुम दोनों शादी करना चाहते हो, और ये शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक राधिका 18 साल की ना हो जाए। राधिका का 18वां जन्मदिन एक हफ्ते बाद है, और इस एक हफ्ते में पकड़े गए तो फिकर मत करो, नहीं पकड़े जाओगे। तुम दोनों यहीं रहो, यहां तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और एक हफ्ते बाद तुम दोनों की शादी मैं खुद करवाऊंगा। राधिका तुम खुश हो ना? थैंक यू विकी। कम ऑन रोहित। Police has no information as yet. Radhika ke bare mein, you know? That fool. Yes, Miss Shobha here. Hello, Didi. Main Nalini bol rahi hoon. Oh, bhabhi. Main samjhi police ka phone hai. Police ka? Police ka phone kyun aayega? Wo gum. Wo mera dog bhag gaya tha na? Main uski report kar rahi thi. Haan. Didi, 7 September ko hum wahan pahunch rahe hain. Wahan kaha? Here? हाँ हाँ वहाँ 9 सितंबर को राधिका का बर्थडे, हम वहीं मनाएंगे, और हम ये भी चाहते हैं कि विकी और राधिका की शादी उसी दिन हो जाए। राधिका कहाँ है? राधिका, शी इज हियर। जरा उसको फोन देना। अच्छा अच्छा अच्छा। दैट प्रोग्राम। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? अच्छी हूँ। ये तेरी सास को क्या हो गया? वो मैं भाग भाग कर आई ना, इसलिए। बड़ी खुश लग रही है? नो मॉम, दिल नहीं लगता मेरा, बिल्कुल नहीं लगता। क्यों, तेरी बुआ तुझे कहीं घुमाने फिराने नहीं ले जाती? हाँ, कैसे ले जाएगी, डॉलर खर्चने में उसकी जान जो जाती है। क्या? अरे वो सारा खानदान ही कंजूसों का है। की बातों का बुरा मत मानना, दिल की बहुत अच्छी है, बस बड़बड़ करने की आदत है उसकी। और हाँ,
बुआ से कहना विकी से जरूर बात करे। बाय बाय। विकी से तो बात करनी पड़ेगी। राधिका। हाँ? तुम्हारा टॉवल बाहर टांग देना। अच्छा ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ। ओके बाय। काम करता हूँ। Here, house में? नहीं नहीं, सोमिल में। सोमिल? मैंने तुम्हें कहीं देखा है? जी, सोमिल में देखा होगा। मैं विकी को भेजता हूँ। इसे definitely कहीं देखा है। But where? Hello, Eddie. I want all these logs to be finished by today. And delivered to Edmonton in the evening, okay? Vicky! Over. Vicky! Haan, Rohit. वो राधिका की बुआ तुम्हारे घर पर आई है। आंटी आई है? ठीक है, मैं आता हूँ। आंटी, मैं तो हैरान ही हो गया कि आप। यस 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 यस, आई एम आल्सो लिटिल हैरान। तुम बैचलर हो, अकेले रहते हो और बाथरूम में शावर, व्हाट इज दिस चक्कर प्लीज? आंटी, वो क्या है कि शावर खराब हो गया और पानी रुक ही नहीं रहा है। ओह वेल विकी, आई एम इन अ बिग सूप। व्हाट हैपेंड? राधिका मेरे घर से भाग गई है। व्हाट? हाँ, वो इंडिया का लड़का, रोहित नाम, बैड प्रोग्राम। वो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया और उसे लेकर भाग गया। ही मेड हर रन, यू नो। भाभी का फोन आया था, वो और भैया दोनों यहाँ आ रहे हैं। 9 तारीख को राधिका के जन्मदिन पर वो तुम्हारी शादी उससे कराना चाहते हैं। मेरी शादी? Yes. Impossible. I'm not interested. वैसे तुम्हारा इंटरेस्ट मुझे सिर्फ बाथरूम की तरफ लग रहा है। बाथरूम? Don't be silly, विकी, कल प्लम्बर आकर ठीक कर देगा। तुम तो ये सोचो, अभी तक भैया को इसके बारे में कुछ पता नहीं, कल वो यहाँ आए और राधिका न हुई तो? Don't worry, आंटी, राधिका की शादी उसके जन्मदिन पर ही होगी। राधिका की शादी तब होगी जब राधिका मिलेगी। राधिका तो यही है। What? Here? मेरा मतलब है कि कैनेडियन पुलिस तो उसे ढूंढ ही निकालेगी। मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। रिपोर्ट तो मैंने कर दी विकी। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो एडमिंटन में होना चाहिए। Why? अगर पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला तो वो आपको कहाँ कॉन्टेक्ट करेंगे? Oh yes, you're right. I better rush. Bye. Bye, आंटी. राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ले जाने आई हूँ। कहाँ? घूमने। राधिका, मैं काम नहीं छोड़ सकता। Come on, रोहित। राधिका, विकी बुरा मान जाएगा। मैं विकी से बात करती हूँ। अरे राधिका, ये अजीत वीडियोस कंसाइनमेंट इज रेडी। ओके। हाय विकी। ओ हाय। विकी, रोहित को आज छुट्टी मिल सकती है? क्यों? ऐसे ही। प्लीज विकी। ओके। ओ थैंक यू विकी। कौन है? विकी, रोहित कह रहा था कि तुमने हम दोनों की तस्वीरें ली हैं। हाँ, उन्हीं को प्रिंट कर रहा हूँ। Can I watch? Oh, sure. Mm-hmm.
राधिका मुझे काम करने दो। जब प्रोग्रेस तैयार हो जाएंगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। I'm sorry, Vicky. Thanks anyway. Vicky, the photographs are very nice. Check. Rohit, विकी ने हमारी बहुत अच्छी तस्वीरें खींची हैं। अच्छा, कहाँ है? कमरे में। मैं जरा देख कर आता हूँ। Excuse me. मैं खेलूँ? Oh sure. क्या हुआ? पता नहीं। कल सबसे पहले मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करूंगा और फिर पंडित जी आ जाएंगे और क्या बात है राधिका, क्या सोच रही हो? पता नहीं क्यों रोहित, जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आज ही एडमिंटन पहुंचाने हैं, मेरी वैन ले जाओ। क्यों? मुझे डर सा लग रहा है। विकी अचानक बदल गया है रोहित, लगता है जैसे कि जैसे क्या? जैसे कि वो अब हमें यहाँ लेट्स गो फ्रॉम हियर रोहित, चलो यहाँ से। अच्छा लगता है हमारा ऐसे जाना। हेलीकॉप्टर में कौन गया? उस हेलीकॉप्टर में राधिका के मां बाप राधिका को अपने साथ ले गए। क्या? राधिका के मां बाप उसे ले गए? हाँ। और तुमने राधिका को जाने दिया? तुम जो दोस्त बने थे, जो राधिका और मेरी शादी करवाना चाहते थे। फॉरगेट रोहित, एक बात ध्यान से सुन लो, राधिका की शादी तुमसे नहीं मुझसे हो रही है। विकी तुम राधिका के साथ शादी नहीं कर सकते, तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। शादी की बात करें, मैं उसे प्यार करना सिखाऊंगा। कभी नहीं, उसका प्यार मैं हूं, राधिका मैं। खबरदार, जो तुमने कभी राधिका का नाम लिया तो, राधिका मेरी है, वो पहले से ही मेरी थी, उसके मां बाप ने उसे कनाडा भेजा मेरे लिए। कल मेरी उसके साथ शादी हो रही है, कल राधिका मेरी हो जाएगी। तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तेरे होते हुए राधिका मेरी नहीं हो सकती। तेरे होते हुए तू नहीं होगा तो मेरे और राधिका के बीच कोई नहीं आ सकता। जो हम दोनों के बीच आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगा।
स्माइल, yeah? कल मेरी नीज की शादी है, यू नो वेडिंग, होटल गेस्ट के लिए वो लॉन का सेक्शन बंद रहेगा, आई वांट नो डिस्टर्बेंस एंड मैरिज के डेकोरेशंस, आई वांट द बेस्ट, यस, गुड प्रोग्राम। नहीं नहीं नहीं, मैं विकी से शादी नहीं करूंगी। रोने से कुछ नहीं होगा राधिका, शादी तो तुम्हें विकी से ही करनी होगी। मैं रोहित से शादी करूंगी। तुम्हारी हालत किसने बनाई? मुझे राधिका के पास पहुंचा दो। ओ, तुम्हारा वो पता फिर खो गया? राधिका की बुआ का होटल यहाँ से 25 मील दूर है। प्लीज मुझे वहां जल्दी पहुंचा दो रैम्बो। प्लीज। रैम्बो की ऐसी की तैसी। राम भाव तुमको वहां 10 मिनट में पहुंचाएगा। कमिन। राधिका, ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है, इसे पहन लो। मैं नहीं पहनूंगी। जिद मत करो बेटी। करवाना चाहते हैं भैया, पंडित जी आ गए हैं। राधिका, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहती। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे नहीं, मेरा शरीर चाहते हो। तुम्हें मेरा शरीर चाहिए ना? चलो। राधिका। जाओ, जय हिंद। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। करूंगी तो सिर्फ रोहित से। तुम चाहती हो ना कि मैं रोहित की जान बख्श दूं? तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। रोहित, मैं तुम्हें अपनी और राधिका की शादी के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। राधिका तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। यकीन नहीं आता तो खुद चलकर देख लो। वो देख।
शादी मुबारक। रोहित, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुमने किसी लड़की देखा है? राधिका, ये सब क्या कह रही हो तुम? हम ये शादी तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं माँ, ये शादी आप लोग अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। एक लाश को पकड़कर इस आग के चारों तरफ घुमाना चाहते हैं आप लोग। एक मुर्दे को सजाकर उसका नाम दुल्हन रख दिया आपने। राधिका, स्टॉप इट। शादी लड़के और लड़की की खुशी के लिए होती है बुआ, आपने मेरी खुशी का सोचा? जबरदस्ती मुझे वेदी पर बिठा दिया जाएगा, मंत्र पढ़े जाएंगे, दे दिया जाएगा आशीर्वाद, लेकिन क्या फायदा उन मंत्रों का जो मन से ना बोले जाएं? क्या फायदा उस सुखी रहो आशीर्वाद का जब आप सब जानते हैं कि मैं विकी के साथ एक पल भी सुखी नहीं रह सकती। पंडित जी, शुरू कीजिए इन रस्मों का मजा और लगाइए मेरी चिता को आग। राधिका, तोड़ दो ये हथकड़ियां। उतार दो ये फांसी का फंदा। खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ लगाया तो राधिका की शादी उसकी मर्जी से होगी, समझे? अगर राधिका मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी।
राधिका तुम ठीक तो हो ना? विकी खोलो राधिका, तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकती राधिका, उठो राधिका, उठो राधिका, आंखें खोलो राधिका, राधिका, get up राधिका, get up राधिका, 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 get up राधिका, get up Rohit. Radhika. Radhika. हेलीकॉप्टर चलाया है? Flight SQ64 to Bangkok. बेटा, now boarding at gate. तुम्हारी डैडी नहीं आए?